जागते रहो। एक प्रश्न आया, कहता है परमात्मा तुम बोलते हो आत्मा मिलती नहीं है, आत्मा कमानी पड़ती है, और शास्त्र बोलते हैं कि आत्मा हमारे भीतर आती है और जब मृत्यु होती है आत्मा चली जाती है। प्रश्न में ये भी था कि जब कोई आदमी मरता है तो उसकी जब क्रिया की जाती है 13वें दिन, तो बोला जाता है जो भी वहाँ पे धर्मगुरु आता है कि हे ईश्वर इनकी आत्मा को शांति देना और अपने चरणों में निवास स्थान देना, ये बोला जाता है। इसके लिए मंत्र भी जाप किए जाते हैं, सभी लोग हम लोग मिलके करते हैं। तुम कहते हो आत्मा मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है, दोनों बातें कंट्रोवर्शियल हैं, विरोधाभासी हैं, तो सही क्या है? सही उत्तर जानना है, दम है कमाने का आत्मा, अगर दम है तो आत्मा कमानी पड़ेगी, अगर नहीं दम है तो आत्मा मिलती है, इससे संतुष्ट हो जाओ। माने तो ब्रह्म मानने में क्या चाहता है, ये भी तो ब्रह्म ही तुम माने हुए हो कि तुम यहाँ से मरोगे, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई जन्नत जाएगा, कोई किसी और लोक जाएगा, कोई ब्रह्म लोक, कोई देव लोक, कोई गो लोक, कोई वृंदावन लोक, माने दो कुछ और मान लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सोचो अगर पैदा होते ही आदमी को आत्मा फ्री में मिल जाए, गॉड गिफ्टेड जिसको तुम कहते हो, तो तुम्हारे में और बुद्ध में, नानक में, कबीर में, मोहम्मद, जीसस, कृष्ण में कोई भेद ही नहीं था, जैसे तुम वैसे वो। लेकिन क्या तुम मानते हो वो सभी तुम्हारे जैसे थे, तुम्हारे उनमें कुछ अंतर ही नहीं था? उन महापुरुषों में और तुम में अगर कुछ अंतर तुम्हें दिखता है तो मेरी बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि आत्मा कमानी पड़ती है, और तुम्हें लगता है कि कोई अंतर नहीं था, जैसे तुम हो वैसे वो थे, तो मेरी बात झूठ हो जाती है कि आत्मा तो मिलती है। अच्छा अगर हम यही मान लें कि आत्मा मिलती है, तो फिर ये महापुरुष कोई 6 वर्ष भटका, कोई 12 वर्ष भटका, कोई जंगलों में गया, किसी ने कोई जब तब किया, क्यों किया? कुछ कमाने के लिए किया होगा, व्यर्थ तो किसी ने अपना सिर फुड़वाया नहीं। आत्मा का मतलब किसी ऐसी वस्तु से नहीं है जो तुम्हारे भीतर है, आत्मा का मतलब बोध से है, चेतना से है, तुम्हारी चेतना के विकास से है। जैसे जैसे तुम अपने पुराने संस्कार जो भी तुमने पाले हुए हैं इसी जन्म से उनको छोड़ते हो, तुम्हारे बोध की खिड़कियाँ खुलती हैं और एक नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है तुम्हारे ही भीतर। तुमने सुना है ना, कहते अध्यात्म का मतलब है एक नव जीवन, नया जीवन पैदा हो जाना। वो नया जीवन शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जीवन, एक तुम्हारे अंदर ही एक नया फूल खिलता है, वो जीवन। जब वो जीवन मिलता है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा का सृजन हुआ। जैसे स्त्री अपनी कोख में बच्चे को पालती है ना 9 महीने, वैसे तुम्हें अपनी कोख में आत्मा को पालना पड़ता है, उसका सृजन होता है। वो एक बोध है, वो एक विचार है, वो एक चेतना है। और ये जो धर्मगुरु बोलते हैं कि हमने मंत्र जाप कर दिया, हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में निवास देना, अब उनकी आत्मा, ज़रा सोचो मैं बोलूं कि हे ईश्वर ये जो वायु ऑक्सीजन मुझे मिल रही है मेरी ऑक्सीजन को शुद्ध करना, किसी और की ऑक्सीजन से मुझे लेना देना नहीं है, तो तुम्हें लगेगा ना बात ही अटपटी है, मेरे लिए वायु शुद्ध और तुम्हारे लिए वायु अशुद्ध, हो सकता है, संभव है। या कोई बोले हे सूर्य मुझे जो आप रेज दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो, वो पवित्र करके देना क्योंकि मैंने आपका मंत्र जाप कर लिया, तुम कहोगे बेवकूफ़ी वाली बात है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो संपूर्ण अस्तित्व है इसके खंड नहीं हो सकते, कोई व्यक्ति इसके खंड नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या लगता है आत्मा के खंड हो जाएंगे? आत्मा यानी चेतना की एक शक्ति, यानी बोध, बोध का एक विशेष गुण, उसके खंड हो जाएंगे? अब समझ आया आत्मा का मतलब क्या है? उस चेतना के खंड हो ही नहीं सकते, तो इनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास देना, मुक्त करना, ये तो बात ही गलत हो गई। और मुक्ति, मुक्ति है क्या यही नहीं पता? इसलिए सब चीज जो जो तुम लोगों को नहीं पता या तुम्हारे धर्म गुरुओं को नहीं पता, उनने वो सब चीज मरणोपरांत टाल दी, कहानी खत्म। मरने के बाद कौन आएगा, कौन पूछेगा, कौन रामलाल श्यामलाल मर गया वो आके पूछेगा जी मैंने इतना दान दिया था,
इतना जप तप किया था, पंडित जी आपके कहने पे किया था, कुछ हुआ ही नहीं, सब टाल दिया मरने के बाद, तो इनकी आत्मा मुक्त करना प्रश्न ही गलत हो गया। तो हम बात कर रहे थे आत्मा की। अभी अभी एक माली आया, वो कहता है जी मुझे इस पौधे के फूलों से बीज बनाना है, तो इस पौधे का ध्यान रखना, आपका गलती से हाथ ना लगे, पौधा टूटे ना। बीज बनाना है यानी एक नया पौधा उगाएगा, नया पौधा उगाएगा। ये तो तुम्हारे सभी के धर्म मानते हैं कि पेड़ पौधे हर चीज में एक आत्मा है, हर चीज जीवंत है, साइंस भी मानता है जीवंत है। ये पौधे का फूलों का बीज कौन बना रहा है? माली। अब माली उसमें आत्मा लाके कहां से डाल रहा है? अगर तुम्हारे हिसाब से हम आत्मा माने कि आत्मा अलग वस्तु है जो कहीं से आती है, मैं तो कह रहा हूं कहीं से नहीं आती। जैसे ही आप एक पौधे को उगाते हैं, एक बीज को, जैसे ही माँ के गर्भ में एक बालक का, बालक के लिए वीर्य स्थापित किया जाता है, तो उसमें जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, सृष्टि में से अपना अस्तित्व, अपने अस्तित्व के लिए जो एनर्जी लेता है वो अपने आप लेना चालू कर देता है, और जैसे ही वो विलीन होता है वो एनर्जी अपने आप में विलीन होकर सृष्टि में मिल जाती है। यही बीज, जैसे ही वो बीज गमले में डालेगा, बीज अंकुरित होगा, जैसे ही वो फूटेगा इस सृष्टि में से, वो अपना हिस्सा, अपनी आत्मा, अपनी एनर्जी वो स्वयं ले लेगा, और उसके मिटते ही, उस पौधे के, उस वृक्ष के मिटते ही, वो आत्मा जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो, मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, वो स्वयं आत्मा में, एनर्जी एनर्जी में विलीन हो जाएगी। जैसे तुम लोग बोलते हो पंचभूत पंचभूतों में विलीन हो गए, तो आत्मा वो नहीं है जो तुमने रटी हुई है कि आत्मा मिलती है, आत्मा मुक्त हो जाती है, आत्मा बंधन में आ जाती है, नहीं, आत्मा कमानी पड़ती है। और जितने तुम्हारे ये क्रिया में जो तुम्हारे धर्मगुरु बोलते हैं कि इनकी आत्मा को मुक्ति देना, अपने चरणों में निवास देना, अच्छा चरण कहाँ है परमात्मा के? हम 800 करोड़ से ज़्यादा हैं, और कई 800 करोड़ मर चुके हैं, कई 800 करोड़। सोचो अगर वो सारे की सारी आत्माएं भगवान के चरणों में जाके सिमट जाएं, मुक्त हो, कहें जी हमें अपने चरणों में स्थान देना, तो भगवान बेचारे क्या करेंगे? समझ आया खेल? हाँ, ये पूरा जो तुम्हें विस्तार दिख रहा है ये सब भगवान ही है, ये सब भगवान के चरण ही है, यानी अस्तित्व से वो एनर्जी आई और अस्तित्व में जाकर विलीन हो गई। ये होता है चरणों में स्थान देना, लेकिन ये तुम्हारे मंत्र जाप से नहीं होता, ये स्वयं होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। बीज बना, इस फूल से बीज बना, बीज से फिर पौधा निकला, पौधा अपनी आयु समाप्त करके अपने समय के अनुसार फिर मरेगा, फिर विलीन हो जाएगा माटी में, फिर माटी से फिर वो नया बीज बनेगा पौधों से। उसी तरह हम पैदा हुए पंचभूत से, हमने इस संसार से, इस अस्तित्व से एनर्जी ली, जब हम मिलेंगे एनर्जी एनर्जी में विलीन हो जाएगी, पंचभूत पंचभूतों में विलीन हो जाएंगे। तो अब समझ आया मैं किस आत्मा की बात कर रहा हूँ, और तुम किस आत्मा को आत्मा समझे बैठे हो? वो तो तुम सभी का भय है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा को जल डुबो नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, और तुम अपनी मृत्यु के भय से बचने के लिए इस आत्मा रूपी मंत्र का जप चालू कर देते हो, रटते रहते हो, इसका एक विचार बना लेते हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी प्रबुद्ध से पूछोगे तो मेरी वाली बात ही कहेगा, और किसी तथाकथित मूढ़ धर्म गुरु से पूछोगे जिसने किताबें रटी हुई हैं, जिसका अनुभव जीरो, कुछ भी नहीं है, वो वही कहेगा जो तुम आज तक सुनते आ रहे हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।